हाई एवरी वन, वेलकम टू अनदर एपिसोड फ्रॉम ट्रैवल लाइक वी डू। और आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं वॉट यू कैन डू इन अ डे इन कोलकाता। अगर आपके पास एक दिन है और उसमें आपको कोलकाता घूम के देखना है तो उसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या देखना है, वो सब इस वीडियो में कवर होगा। सो कीप वॉचिंग फॉर द बेस्ट प्लेसेज टू सी इन कोलकाता। और आप देख रहे हैं ट्रैवल लाइक वी डू। और इस चैनल में हम लोग ट्रैवल टिप्स और ट्रैवल गाइड्स और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारा वन डे गाइड टू सी कोलकाता। अगर आप कोलकाता में एक दिन का ट्रिप करना चाहते हैं तो सुबह सुबह निकलिए और हावड़ा ब्रिज के पास आइए। हावड़ा ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी भीड़ होती है, तो कोविड के टाइम पे याद रखिए कि मास्क पहन के आए। अगर आप सैटरडे संडे के टारगेट कर रहे हैं ना, तो संडे मॉर्निंग में आपको थोड़ा कम रश मिल सकता है। यहाँ पे एकदम पास ही फ्ला मार्केट है, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रख सकते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। हावड़ा ब्रिज का खासियत ये है कि ये रिवर जॉइन से बना हुआ है, एक यूनिक ब्रिज है। अगर आपको टाइटैनिक पता है तो टाइटैनिक भी ऐसे रिवर जॉइन से बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको हावड़ा ब्रिज दिखाती हूँ और फिर आगे चलते हैं, वहां से हम लोग फेरी लेंगे हावड़ा स्टेशन के सामने से। घाट जो हावड़ा स्टेशन के जस्ट बाहर है, आप चाहिए तो हावड़ा स्टेशन पे कुछ इंस्टाग्रामेबल फोटोज ले सकते हैं। बट यहाँ से जो फेरी का टिकट है 6 रुपए है, 18 रुपए है, 3 जन हम जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम बाबू घाट जाएंगे, यहाँ से आपको हावड़ा ब्रिज का सबसे बढ़िया व्यू दिखेगा। तो ये सबसे सस्ता टिकाऊ उपाय है अगर आपको गंगा का सैर करना है। तो अभी हम लॉन्च पे जाएंगे और वहाँ से अगर आपको पैसे बचानी है और अगर आपको बोट की सवारी नहीं करनी है तो आप ये लॉन्च जरूर लीजिए, इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने पीकू मूवी देखी है तो यहाँ पे काफ़ी सारे शॉट्स है इरफान और दीपिका। बाबूघाट उतर के आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप राइटर्स बिल्डिंग और ये जो ऑफिस एरिया है जहाँ पे पुराने गॉथिक आर्किटेक्चर के बिल्डिंग है वहाँ पे घूम के आप स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड कुछ इंस्टाग्रामेबल फोटोज खींच सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत आते हैं, और आप एक येल्लो टैक्सी पकड़िए और सीधा कुमार टुली चले जाइए। नाउ येल्लो टैक्सी आपको लूटने के लिए बैठे हैं, ये लोग आपको बहुत चार्ज करेंगे मोर देन ऊबर, सो डू रिमेम्बर टू बार्गेन, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत फटका पड़ेगा। और जब टैक्सी में बैठ रहे हैं तो उनसे बात कर लीजिए कि आप उनके टैक्सी में बैठ के 2-3 फोटोज़ भी लेने वाले हैं। तो वहाँ से सीधा आप कुमार टुली या कॉलेज स्ट्रीट चले जाइए। कॉलेज स्ट्रीट में स्ट्रीट फोटोग्राफी और कुमार टुली में जहाँ पे मूर्ति दुर्गा की बनती है, वो पूरा गाँव है जहाँ पे पूरा मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है। हमारे फुटेजेस खराब हो गए तो इसलिए मैं वो फुटेजेस नहीं दिखा सकती, फ़ोटो से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे फोटोज़ आते हैं। और कुमार टुली देखने के बाद आप सीधा वहाँ से उबर लेके विक्टोरिया आ जाइए। विक्टोरिया मेमोरियल कैलकटा के आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक है, और ये अगर आप कैलकटा में आ रहे हैं आधे दिन के लिए हो या फुल डे के लिए, ये आप हरगिज मिस ना करें। विक्टोरिया में जो गार्डन है वो खुलता है सुबह 5:30 बजे और बंद होता है 6:30 बजे। विक्टोरिया के अंदर म्यूज़ियम भी है, आज हम आपको म्यूज़ियम के अंदर नहीं दिखा रहे, बट म्यूज़ियम्स के अंदर एज़ यूजुअल बहुत सारे हिस्टोरिक आर्ट्स और क्लोथ्स, टीपू सुल्तान के सोर्ड, ऐसे सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री पसंद है और म्यूज़ियम्स पसंद है आप ट्राई कर सकते हैं। म्यूज़ियम की एंट्री और गार्डन की एंट्री कुल मिला के 50 रुपीज़ पर पर्सन होता है, अगर सिर्फ आपको गार्डन देखना है तो 20 रुपीज़ पर पर्सन। म्यूज़ियम खुलता है सुबह 8:30 के बाद, तो वैसे प्लान करके आइएगा क्योंकि म्यूज़ियम थोड़ा लेट खुलता है और जल्दी बंद होती है।
अगर आप विक्टोरिया में आ रहे हैं तो विक्टोरिया के गार्डन काफ़ी आराम से घूम के देखिए, ये काफ़ी फेमस इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है। और अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम फोटोज़ देखनी है तो आप travel.like.v.2 में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए आपको लगभग 1.5-2 घंटा लग जाएगा। अगर आप म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं तो और थोड़ा टाइम ले लीजिएगा। थोड़ा सा शाम के पास आएंगे तो ये म्यूज़ियम देख के, विक्टोरिया देख के, फिर सीधा बैंडल पीछे जो चर्च है वो चर्च देख सकते हैं। पीछे की तरफ कैथेड्रल चर्च है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वो भी लगे हाथों देख लीजिए, चल के पहुंच सकते हैं। बिरला प्लैनेटोरियम इज द स्टॉप। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो गाड़ी में वो भी डाल सकते हैं। बिरला प्लैनेटोरियम के जस्ट पास में ये कैथेड्रल चर्च है, बहुत ही प्रिटी चर्च है। कोविड की वजह से यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन होगा और एंट्री टिकट 10 रुपये पर पर्सन है। अंदर भी खुल चुका है अभी, तो आप जाके देख सकते हैं अंदर। तो दिखाती हूँ मैं कैथेड्रल चर्च, और कैथेड्रल चर्च घूमने के बाद हम चले जाएंगे अभी सनसेट के लिए प्रिंसेप घाट। तो पहले चर्च दिखाती हूँ। कैथेड्रल चर्च के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। हम आ चुके हैं अभी प्रिंसेप घाट में। कोलकाता में एक दिन के ट्रिप में आप अंत ऐसे करिए कि आप यहाँ से बोट राइड ले लीजिए। प्रिंसेप घाट के सामने से ही बोट रहती है जो आपको सैर कराती है। आधे घंटे की सैर होती है और 1 घंटे की सैर होती है। आधे घंटे की सैर के लिए ये लोग 350 से 400 रुपये बोलेंगे। कोशिश कीजिए थोड़ा बार्गेन करने की, थोड़ा कम हो भी सकता है। 1 घंटे के लिए 600 रुपये कोट करते हैं। आधा घंटा आपको नदी के आसपास घुमाएंगे, ब्रिज दिखेगा और गंगा की ठंडी हवा में बहुत अच्छा लगेगा आपको ये करने के लिए। उसके बाद शाम हो जाएगी। ये याद रखिए कलकत्ता में बहुत जल्दी शाम होती है, तो लगभग 5-5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, वो भी समर के टाइम पे। उसके बाद आप जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। आप चाहिए तो श्री लेदर्स में जाके बैग्स खरीद सकते हैं, लेदर गुड्स खरीद सकते हैं, नहीं तो आप स्प्लैनेट में जाके धर्मतला मार्केट जो है वहाँ पे जाके न्यू मार्केट से बहुत कुछ खरीद सकते हैं लड़कियों के लिए, बाली, ज्वेलरी, कपड़े, ये सब आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको साड़ियों में इंटरेस्ट है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप गोरियाहाट चले जाइए और वहाँ से साड़ियाँ खरीद लीजिए। तो ये रहा हमारा एक दिन का गाइड। इफ़ यू हैव 1 डे इन योर हैंड एंड यू वांट टू सी कोलकाता, सो दैट्स ऑल यू कैन डू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और नीचे कमेंट पे बताएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से शहर का एक दिन का गाइड देखना है। और तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग लाइक वी डू।